हवा नहीं है टायर में, साइन नजर आ गया है मुझे। तो पानी छोड़ते ताकि सब्जियां धुली धुली रहे, साफ सुथरी रहे। कितना खूबसूरत लग रहा है देखो। ये रात ऐसी लंबी हो रही है कि सो भी जाती हूँ और ऐसा लगता है उठ भी मैं बहुत जल्दी गई हूँ। खुल जाओ सिम सिम, तुम भी खुल जाओ सिम सिम। ओपन 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 यार, थैंक यू भाई। बाहर निकलो तो आज नो डाइट नो एक्सरसाइज कुछ भी नहीं। उसके बाद मेरा वेट कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता चल रहा। तो खैर एंजॉय करें, टेंशन ना लें। आते हुए ना जब मैं आऊंगी ना 9 बजे तक जाऊंगी। 9 बजे तो खुला होगा सेंटर, अंदर से नहीं खुला होगा बाहर से तो खुला होगा ना। हाँ कम ले उसको। आज हम सब बड़े खुशी 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 उठे हैं। खुश हो रहे माशाल्लाह से, उनसे ज्यादा मैं खुश हो रही हूँ क्योंकि आज ये रोई नहीं है, खुशी खुशी हैप्पी। हाँ फॉर्म का आज फर्स्ट डे स्कूल है। अफाम ने कल तो मुझे ये बताया था, मुझे भी नहीं पता था। बोला मम्मा टुडे इज माय फर्स्ट डे स्कूल, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हैप्पी जाओ, फिर तो रोजाना फर्स्ट डे होना चाहिए आपका। सब्सक्राइब करो, मैं आपको लेके चलती हूँ अफाम के स्कूल। नाउ ओके बाय बाय अफाम, अल्लाह हाफिज़, लव यू। माशाल्लाह आज गया खुशी खुशी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दिल मेरा गार्डन गार्डन हो गया। देखो मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है और मुझे आदत है वहाँ जाने की ना, वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है हमेशा मोस्टली, बट आज जो है ना मेरी गाड़ी यहीं पर खड़ी हुई है और मैं वहाँ से घूम घुमाती हुई जा रही हूँ आगे आगे सीधा सीधा। मुझे याद ही ना आज तुमने इतनी आगे पार्किंग की है। चलो तुझे फौरन से चलते हैं हम घर की तरफ क्योंकि हमें हो जाएगा लेट और हम लेट होना नहीं चाहते। ट्रैफिक बढ़ रही है हमारी आहिस्ता आहिस्ता। मुझे एक मॉल में जाना, अगर वो मॉल खुला हुआ तो मैं उस मॉल में जाऊंगी, अगर नहीं जा सकी तो आज जो है ना अली रजा साहब अपने मेट्रो का कार्ड भूल गए घर पे, तो अली रजा को लेने में इंशाल्लाह जाऊंगी तो मैं उस टाइम पे मॉल में होकर आ जाऊंगी। देखो जो सामने दो आंटियां बैठी हुई गप्पे लगा रही है, देखो ये दोनों के दोनों गप्पे लगा रही है, सारी दुनिया जहान की दिन की बातें करेंगी बैठकर। बच्चों को इन्होंने छोड़ दिया स्कूल, इन्होंने कहा अब मैं क्या करूं, अब तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है। चलो भाई गप्पे लगाओ। हवा नहीं है टायर में, हवा नहीं है टायर में, साइन नजर आ गया है मुझे। ये देखो अब मैं आ गई हूँ उसी जगह पे जिस जगह पे हम डेली आके अटक जाते हैं, से स्टार्ट होती है जी ट्रैफिक। अभी देखना लाइन लगी हुई, ये गई लाइन, ये हमारी बारी इधर लगने की। बिस्मिल्लाह चलो। वजह ये कि वो ट्रैकिंग कर रहा है। अच्छा, और वो ट्रैकिंग भी कर रहा है, वो स्पीडिंग भी कर रहा है। गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो भी सही बताता है, वो 100% करेक्ट है, 120, लेकिन आपकी जीपीएस के अंदर वो 110 या। इट्स टाइम फॉर द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप एट द आइकॉनिक। मैं पहुंच गई हूँ 818 पर, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट होम 818 पर। अब जाती हूँ और मैं आज जो है जाके छिल मार के सो जाऊंगी, फिर उठूंगी आराम से। अगर तो जी मैं घर जाके सो गई थी, सोकर उठी हूँ और उठ के जो है ना अभी मैं वापस आ चुकी हूँ अली रजा के स्कूल के बाहर। लेजा जो है ना अपना रोल कार्ड भूल गए थे जिससे कि मैंने आपको बताया था, तो अब जो है ना मैं अली रजा को काफी देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। थोड़ी देर वेट करती हूँ ना फिर जो है ना मैं जाती हूँ। वो ना देखा वो घूमता हमारा, वो दिख गया मुझे। ऐसा ना मैं यहाँ से गाड़ी मूव करूँ फिर अली रजा मुझे ढूंढता हुआ यहीं आ जाए गर्मी में। मैं तो गाड़ी के अंदर बैठी हूँ आराम से, बट वो तो गर्मी में यहाँ वहाँ ख्वार होगा ना। तो इसके बाद जो है ना हम जाएंगे जी एमिरेट्स कॉप। लो तो जी मैं आ गई हूँ एमिरेट्स कॉप के बाहर। मशीन किधर है, एटीएम मशीन, वो मुझे नहीं समझ। आई होप कि यहीं होगी। चलो जी मैं ना अभी यहाँ से ग्रॉसरी पे आ गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कार्ड चल गया। अब यहाँ से मुझे ना छोटी मोटी ना आलू टमाटर प्याज लेने हैं, वो लेती हूँ और फिर चलती हूँ घर। यार मुझे वेजिटेबल्स तो नहीं नज़र आ रहे बट मुझे ना यहाँ पर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या बोलते हैं उसको, जूसेस वगैरह ये नज़र आ रहे हैं। क्या करूँ, ऑरेंज जूस ले लूँ है ना। हाँ ऑरेंज जूस ले लेती हूँ यार, बड़े मज़े का लग रहा है, देख के ना प्यास लग गई मुझे ऑरेंज जूस को। चलो मैंने ना यहाँ से ले ली स्पेनिश ब्रेड, दिखने में तो बड़े मज़े की लग रही है, पता नहीं इसके अंदर चिकन है क्या है चीज़, आई डोंट नो, बट मैंने ये ले ली, मैं इसको ट्राई करूँगी घर पर। हाँ अभी नज़र आए वो रे वेजिटेबल्स, वो रे सामने। चलो वेजिटेबल्स लेते हैं। मैं पकाती भी गोभी हूँ, ऐसा लग करती हूँ गोभी ले लेती हूँ।
मैंने आज बैंगन भी ले लिया, आज मैंने बंद गोभी भी ले ली, शिमला मिर्च भी ले ली है, और ये पता नहीं क्या, ये रेड वाला पता नहीं क्या है, कैसा होता होगा रेड वाला पता नहीं, आई डोंट नो। तो मैं यार एप्पल तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे कहीं पे भी, क्या लगता है क्या करूँ उसको, लूँ नहीं ले। देखो कितने का ये 33 दरम का है ये। देखो कैसा धुआं आ रहा है, देखो ये सब्जियों को जो है ना फ्रेश रखने के लिए, कूल रखने के लिए सारे लोग पानी छोड़ते हैं ताकि सब्जियां धुली धुली रहें, साफ़ सुथरी रहें। कितना खूबसूरत लग रहा है देखो, सी इसके अंदर से लोग एयर पास हो रही है, हवा नहीं पानी पास हो रहा है, पानी हल्का हल्का सा, कितना क्यूट लग रहा है सी। ये देखो सारे अच्छे लग रहे हैं, सारे ग्रीनरी, जितनी भी ग्रीन सब्जियां हैं ना उनके लिए, इधर भी और उधर भी, बाकी और कहीं पर भी नहीं, सिर्फ ग्रीन सब्जियों के लिए। चलती हूँ फिलहाल अभी घर पे, फार्म भी आ गया। खुल जाओ सिमसम, तुम भी खुल जाओ सिमसम, ओपन 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 यार, थैंक यू भाई। बाहर निकलो तो आग है। मैंने सारा सामान ले लिया यार, तरबूज नहीं लिया मैंने, शिट भूल गई, देखो एप्पल ले ली, तरबूज नहीं लिया यार, पता नहीं क्यों मैंने क्या सोच के तरबूज नहीं लिया। चलो तो जी फाइनली मैं घर आ गई हूँ, देखो हाली तो अपनी बोतल भी यहीं छोड़ गया, लेट्स गो। बहुत मर गए गर्मी में, मर गए। 1 2 3 जल्दी जा स्कूल से, और आप हम अभी खा रहे हैं अपना अंडा पराठा, अंडा पराठा। चलो कुमार से चरण, और जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटियाँ भी रेडी हो चुकी हैं। चलो तो जी अफाम साहब जो है ना यहाँ पे सो चुके हैं, क्योंकि आज अफाम ना दोपहर में नहीं सोए थे इसलिए जल्दी सो गए खुद ही खुद। अफाम को ना मैंने जल्दी खाना दे दिया था, क्योंकि मुझे पता था अफाम आज सो जाएंगे, क्योंकि दोपहर में नहीं सोए थे अफाम साहब, इसलिए इतनी नींद में था, मैं उसको जगाती रही, वरना 7 बजे अफाम ने सोना था। जैसे ही 9 बजे अफाम साहब की बत्ती गुल सो गए वहीं पे, अभी जो है ना टाइम हो गया इस टाइम 10:15 हो गए, वकार अभी तक आई नहीं है, रस्ते में हो गए, कहते रहते साइड पे जाऊंगा, और मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम वाम हो गए, मैं भी जल्दी से खाना खाती हूँ। सब्जी जो है ना, सब्जी का सालन मिक्स सब्जी सोची थी बैंगन में बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं बैंगन अच्छे नहीं लगेंगे गोभी के साथ, तो बैंगन में किसी और दिन बनाऊंगी। आज मैंने गोभी और शिमला मिर्च, गाजर, ये वो, गाजर भी नहीं लेकर आई यार, शिट मैन, मैं गाजर भी नहीं लाई थी आज, तो गोभी और वो बना ली। मुझे घर आके याद आया कि यार गाजर भी तो डलती है इसके अंदर, जब भी तो इतना ज्यादा टेस्टी, जब भी तो बनता है वो मजे से। खाती हूँ रोटी, फिर उसके बाद बर्तन धोंगी, जल्दी से होती हूँ फ्री, खाना शाना खा के बर्तन धोती हूँ, बर्तन धोने के बाद चाय पीऊंगी, मेरी चाय रखी हुई है। तो जी ले आई हूँ मैं अपनी चाय, अभी बहुत गर्म हो रही है, इसको थोड़ी देर रखती हूँ ठंडा होने के लिए। और मैंने आज जो है ना वो ड्रामा नहीं देखा यार, हाँ आज तो सेकंड एपिसोड भी आ गई होगी इसकी, मंडे और ट्यूजडे 2 दिन आता है ना। या अल्लाह दुनिया वालों, आज मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ खतरनाक चीज जो मेरे साथ हुई, क्या है वेट मशीन, और अभी देखना मैं अभी चेक ही कर रही थी सिर्फ 54, अभी कह रहा 55, यार ये तो झूठी मशीन है। मोबाइल का वजन भी गिना है इसने क्या मेरे, 9.9, ये देखो दुनिया वालों 40। हालांकि मैंने तो ना एक्सरसाइज की है, ना मैंने कोई डाइट की है, अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ करने का, नो डाइट नो एक्सरसाइज कुछ भी नहीं, उसके बाद मेरा वेट कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता चल रहा। मैंने तो सुना था जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वेट भी बढ़ता है, और हमारे साथ उल्टा हो रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वेट कम हो रहा है। अपना वेट मैं तो खुद ही हैरान और परेशान रह गई थी अपना वेट चेक करने के बाद कि 54 कैसे हो गया, हालांकि मैंने तो कल भी इतना सारा खाना खाया, आज भी मैंने इतना सारा वाला खाना खाया है, इतने दिन से मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे एक्सरसाइज करने का, भागम दौड़ वाली ना जिंदगी चल रही है आजकल। बच्चों को स्कूल लेके जाओ, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, खाना बनाया, घर की सफाई की है, दिन खत्म, ऐसे दिन खत्म हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, उसमें ना नींद पूरी हो पा रही है, ना अपने लिए मैं टाइम निकाल पा रही हूँ, ना कुछ चिलबाजियाँ हो रही है, मतलब मस्ती मजाक हो रहा है, ना कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, ना कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है, और रात लंबी होती जा रही है, रात ऐसी लंबी हो रही है कि सो भी जाती हूँ और ऐसा लगता है उठ भी मैं बहुत जल्दी गई हूँ, लगता है नींद भी पूरी हो गई है मेरी, ना चक्कर क्या है, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, घड़ी खराब हो गई है या मेरा दिमाग खराब हो गया है, आई डोंट नो क्या हुआ है। अब इसी खराबी में जो है ना आज का दिन कर देते हैं हम खत्म,
मिलेंगे टुमारो एक और नए दिन के साथ, जब तक के लिए दीजिए अपनी बहन को इजाजत, तो टाटा बाय बाय, शब बखैर दुनिया वालों, चिक 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 का